नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के महाराजगंज जनपद में निचलौल तहसील क्षेत्र के डिगही गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक 15 वर्षीय बच्ची समेत दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए, जिनका इलाज निचलौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आज सुबह से ही महाराजगंज जनपद में अचानक मौसम बदलते ही चमक गरज के साथ तेज बारिश होने लगी, जिससे डिगही गाँव में आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा, जिससे एक 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। तो वहीं एक 44 वर्षीय व्यक्ति की खेत में काम करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि रोहतार गांव में दो लोग आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गए, जिनका इलाज निचलौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि आज आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़की समेत दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं दो लोग घायल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवीय आपदा अंतर्गत दोनों परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत का कार्य किया जा रहा है। सर, आकाशीय बिजली गिरने से कुछ कैजुअल्टी हुई है, क्या मामला है और प्रशासन द्वारा क्या मदद दिया जा रहा है उन्हें? आज जनपद महाराजगंज की तहसील निचलौल के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में दिगही गाँव में दो व्यक्तियों की आकाशीय विद्युत गिरने से मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसमें एक 14 साल की बच्ची खुशी सिंह और 44 साल के व्यक्ति हैं रामप्रीत। इनको शासन द्वारा जो निर्धारित है दैवीय आपदा का 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, उसको आज ही दिलाया जा रहा है, इनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मौके पर परिवार को सांत्वना देने के लिए और संवेदनशीलता व्यक्त करने के लिए तहसीलदार को भेजा गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।